यहाँ पे यार तंदूर के अंदर भटूरा लगा रहे हैं, मेरे को बोलने में भी अजीब लग रहा है कि तंदूर के अंदर भटूरा। सामने देखो यार पहाड़ है छोले का, और ये भैया ने थोड़ा सा पहाड़ की ना लैंडस्लाइड करवा दी है। अगर आज की वीडियो में आपको एक कमाल का सेटअप दिखाने वाला हूँ ना, मतलब इतना कमाल का पंजाबी नाश्ता ना रोड साइड मैंने तो नहीं देखा मेरे शहर में। सर क्या हाल चाल है जी? ठीक है जी। सर नाम आपका क्या है? मेरा नाम देव है। तो देव भैया मैं देख के हैरान हूँ, मतलब दुकान खुली नहीं, मैं आपसे पहले पहुँच गया था यहाँ पे, मेरे बाद में आप आए हो। तो दुकान खुलने से पहले लोग यहाँ पे खड़े थे, ऐसा क्या सर आप बेचते हो? अच्छा, चावल नान छोले भटूरे छोले राजमा चावल सारे मशहूर है सारे। क्या बात है, 15 साल से खा रहे हैं। सामान तो भैया काफी बता दिया अपने, दिखाओ एक एक करके क्या क्या चीजें होती है। देखो यहाँ से चटनी है, यहाँ की हरी चटनी, दही रहता होगा। तो भैया अभी अभी आए हैं और चावल एकदम सट्टा दिखाना भैया, ये देखिए जी बढ़िया चावल। और मेरे को बोलने में ना अजीब लग रहा है कि अभी अभी आए हैं, देखो सामने कस्टमर्स खा रहे हैं, उधर खा रहे हैं, इधर ऑर्डर लग रहे हैं लगातार भटूरे के, और सामने देखो भाई टेबल फिल है पूरे, गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे, मतलब अभी आए 10 मिनट भी नहीं हुए मेरे ख्याल आपको। सही है जी, ये दिखाना भी आगे क्या है? आलू हो गया, ये आगे जी मसाले वाले अचार बनाया हुआ है। वाह वाह वाह, ये अचार हो गया टपसी। ये छोले दिखाइए भैया, सामने देखो यार पहाड़ है छोले का, और ये भैया ने थोड़ा सा पहाड़ की ना लैंडस्लाइड करवा दी है, और छोले आ गए जी परात के अंदर। हुआ बहुत ही कमाल भैया, और जो खुशबू है ना यार छोले की, खुशबू और रंगत दोनों में फुल मार्क्स है, और ये ऊपर पनीर लगा रखा है भैया, बहुत ही कमाल। ये तो अपना भैया छोले का सेटअप हो गया, राजमा चावल वगैरह ये सब कहाँ है? ये है जी कड़ी चावल हो गया ये तो। अरे वाह, ये सामने तंदूर से भी ताजा ताजा नान आया, और ये भाई कड़ी, अरे वाह एक बार दिखाइएगा भैया। वाह क्या कमाल की कड़ी यार, एकदम गर्मा गर्म। ये कितने साल पुराना काम है भैया अपना? आप कितने साल हो गए यहाँ पे? 18-20 साल हो गए। 18-20 साल। ये चेक करो भाई राजमा, बहुत ही बढ़िया राजमा भी है यार, एक ही काट के ऊपर ना राजमा भी है, कड़ी भी है, छोले भी है, चावल भी है, और भाई बोरा सामने भटूरा। भाई क्वालिटी चेक करो, ऑयल की एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑयल है, और यहाँ पे भटूरे हाफ डन हो रहे हैं अभी ना, ये हाफ डन हो रहा है। और उधर क्या भैया सामने? अमृतसरी नान। ये चेक करो भाई, जैसे छोले का पहाड़ बना हुआ है ना, यहाँ पे मसाले का पहाड़ बना हुआ है। तो यहाँ पे भैया यार लगातार नान बनाते जा रहे हैं, और स्टफिंग का पूरा हैवी ड्यूटी वाला काम चल रहा है। सर नाम क्या आपका? बिजुलिया। बिजुलिया, क्या बात है यार, बड़ा खतरनाक नाम है भैया। ये बिजुलिया भैया यार यहाँ पे बना रहे हैं नान के पेड़े, एक बार दिखाइएगा बिजुलिया भैया भर के कैसे बनता है। ये देखिए ये आया मसाले का पहाड़, इसमें आलू प्याज गोभी सारा कुछ मिक्सचर है, और ऊपर ये मेथी लगाइए भैया। ये मेथी लगा कर नान के पेड़े तैयार किए जा रहे हैं, ताकि कस्टमर आए टाइम ना लगे फटाफट बनाने में, है ना। तो भाई स्वाद तो आपको पास से दिखा दिया, अब ये देखो भाई प्लेट्स लगती लगातार। ये आगे प्लेट के अंदर छोले, किसी की प्लेट लगा रहे थे भैया? नान छोले, ये नान छोले की प्लेटें जा रही हैं यार, और एक प्लेट सामने बन के तैयार है। अभी आगे जी मसाले वाले आलू, मसाले वाले आलू में डालते क्या हो भैया? बड़े लुक इसकी अच्छी आ रही है। अनार दाना पड़ते हैं, गरम मसाला पड़ते हैं, तड़का पड़ते हैं, लहसुन प्याज अदरक की। तो यार पूरा मेहनत के साथ ही मसाले वाले आलू बनाए जाते हैं, और बड़ी कमाल के दिख रहे हैं। ये समोसे वाला मसाला है भाई, एक तरह से जो समोसे के अंदर मसाला होता है वही मसाला आलुओं के अंदर भरा हुआ है। और ये प्लेट्स देखो लगातार लग गई हैं, चेक करो। दे भी एक बात बताओ, जैसे अभी किसी को दोबारा छोले डलवाने हो, रायता डलवाना हो तो डाल देते हम? वाह, और ये चेक करो यार प्लेट्स जो है ना लगातार जा रही हैं, और ऊपर आ गया मक्खन। यार जो प्लेटिंग है ना यहाँ पे वो तो इन्फिनिटी हो चुकी, लगातार जो है प्लेट्स आती जा रही हैं। और ये चेक करो छोले, रायता, ये आ गई हरी चटनी, ये आ गए जी समोसे वाले आलू। यार भटूरे छोले नान छोले तो बहुत आपको दिखा दिए लगते हुए, अब ये देखो जी ये क्या लगा रहे हो दे भैया? राजमा चावल। ये लग रहा है जी राजमा चावल, अरे बढ़िया चावल पूरी प्लेट में सेट करके ऊपर आ गए जी, बढ़िया से राजमा हुआ। ये आ गया सलाद, चटनी, और साथ में आ गया जी रायता। ये हाफ प्लेट है भैया? ये हाफ प्लेट, और कितने की हाफ प्लेट? 30 रुपये की प्लेट है भाई। ये लुक चेक करो क्या कमाल की है। तो भैया यार यहाँ पे लगातार भटूरे बनाते जा रहे हैं। सर नाम क्या आपका? तो मुंशी भैया यहाँ पे यार भटूरे बना रहे हैं, और एकदम फूले फूले बढ़िया भटूरे हैं। और ये चेक करो आप रंगत, और सामने पेड़े बना बना के रख दिए जी पूरे। इसमें भरा भी होता है मुंशी भैया कुछ? नहीं, प्लेन भटूरा है ना, अंदर से कुछ भरते नहीं। तो ये देखो यार भटूरे ना लगातार तैयार होकर जाते जा रहे हैं। देख भैया एक नई चीज़ देखी मैंने आपके यहाँ पे, ये तंदूरी छोले भटूरे क्या चीज़ है? तंदूरी भटूरे जो बिना तेल के ऑयल के चाहिए उसको तंदूर में गर्म करके दे देते हैं। क्या बात है, मतलब वो ऑयल फ्री छोले भटूरे हो गए, बहुत ही बढ़िया। एक बार दिखाइएगा भैया लगवा के वो क्या चीज़ है। लगा दे यहाँ पे भटूरे ही भटूरे हाफ डन करके रखे हुए, और भैया हमारे लिए लगाने लगे तंदूरी भटूरा, है ना भैया? हाँ जी। तो शुरू करिए भैया, कैसे लगता है ये भटूरा हाफ डन हुआ है अभी? तो भैया यहाँ पे हर तंदूर के अंदर भटूरा लगा रहे हैं, मेरे को बोलने में भी अजीब लग रहा है कि तंदूर के अंदर भटूरा, और नान के जैसे ना भाई तंदूर के अंदर भटूरा लगा दिया भैया ने। भैया कब से बना रहे हो आप तंदूरी भटूरे?
ये 3-4 साल से बना रहे हैं। अच्छा, तो यार भटूरे ना फ्राई होते तो मैंने बहुत सारे दिखाया, पर ये तंदूरी भटूरा पहले बार दिखाने वाला हूँ। और भटूरा देखो यार बिल्कुल नान की तरह ना तंदूर में लग गया और फूलेगा भी है प्रॉपर भैया। हाँ जी, वाह। अब देखो यार ये फूलना भी शुरू हो गया, बहुत ही बढ़िया। ये कुलचे भी तंदूर के अंदर लगा देते हो? हाँ, कुलचे भी होते यार। यहाँ पे ना तंदूर के अंदर कुलचे बनाए जाते हैं और भटूरे बनाए जाते हैं। तो ये लग गया है यार तंदूरी भटूरा तैयार। और भाई जो लुक है भटूरे की बिल्कुल फ्राइड जैसी है, बढ़िया फूल गया तंदूर के अंदर। बहुत देर के बाद ना अपनी बारी आई है। अब देव भैया लगा रहे लगे हैं अपने लिए मिक्स प्लेट। इसमें आएंगे राजमा चावल और कढ़ी चावल दोनों, है ना भैया? हाँ जी। ये मिक्स का भी सेम ही रेट रहता है? हाँ जी। ये 30 रुपए की प्लेट है भाई, और राजमा भी आ गए साथ में, कढ़ी भी आ गई, और अब आएगा जी सलाद और साथ में रायता। ये प्लेट हो गई है बनके तैयार। अब आपको दिखाते हैं जी हमारी तंदूरी भटूरे की प्लेट। बिल्कुल भैया। तो भाई ये आ गए छोले, साथ में रायता, मसाले वाले आलू, और भैया भटूरा तो रखो। ये रहा जी भटूरा और प्लेट है ये भी तैयार। तो भाई बीआरएस नगर में ना यहाँ का जो ब्रेकफास्ट का सीन है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत फेमस है, तो आपको दिखाने लाए हूँ। और ये देखो, ये जी कढ़ी चावल साथ ही में राजमा चावल, हाफ प्लेट, और हाफ में मेरे को लग रहा फुल जैसी क्वांटिटी है। पहले राजमा के साथ ट्राई करते हैं। फेमस यहाँ के भटूरे हैं, पर राजमा चावल भी बहुत कमाल है। और रोड साइड ना एक ही कार्ट के ऊपर ऐसे स्वाद मिलना कि भाई आपको नान भी मिल जाए, भटूरे भी मिल जाए, राजमा भी मिल जाए, चावल भी मिल जाए, कड़ी भी मिल जाए, चावल मिल जाए। बस यार बस, मतलब रिपीट कर रहा हूँ बार बार मैं, पर मुश्किल है चीज़ें। अब ये है जी कड़ी और पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा भी कमाल की हैं, पर राजमा चावल का कोई मुकाबला नहीं है इस प्लेट में। बहुत ही कमाल का स्वाद है। अब देखो राजमा चावल, कड़ी चावल, भटूरे छोले हर जगह मिलते हैं, पर जो चीज़ यहाँ देखिए भाई तंदूरी भटूरा। अब भैया का कहना है कि भाई इससे भटूरे का तेल पूरा निकल जाता है, भटूरा ऑयल फ्री हो जाता है, तो स्वाद में क्या फ़र्क आता है आम भटूरे और तंदूरी भटूरे के, वो भी खा के बताते हैं। एकदम गर्मा गर्म छोले, मैंने थोड़ी भैया को बोला तरी ज़्यादा डालना। छोले का टेस्ट ना बड़ा मसालेदार है, बिल्कुल ऐसा ही फील होगा रोड साइड खा रहे हो। और मसाले वाले आलू भी साथ में देखते हैं। और मेरे को जो चीज़ बढ़िया लगी ना यहाँ पे, 40 रुपए की प्लेट है, दो भटूरे आएंगे और साथ में भाई रायता आएगा। हर किसी के ग्रुप में ना एक बंदा होता है जो बोलता है भाई मैं भटूरे छोले नहीं खाऊंगा, मैं भटूरे छोले नहीं खाऊंगा, बड़ा तेल होता है उसमें। तो उसको भाई दिखाओ तेरे लिए बाजार में तंदूरी भटूरे भी आ गए हैं, आओ और खाओ। और लोकेशन समझ लो, हर वीडियो के नीचे आप भाई लोग बोलते हो कि भाई लोकेशन नहीं बताता। बीआरएस नगर रोड है, कॉन्वेंट स्कूल के जस्ट सामने आपको एक कार्ड नजर आ जाएगी, नान छोले भटूरे छोले। टाइमिंग क्या रहती है अपनी? 10 से 5, 10 बजे से लेके 5 बजे तक जब भी आओ आपको ऐसे छोले भटूरे खाने को मिल जाएंगे। फिर भी आ रहा ऊपर से, ये भी आ रहा सब कुछ। पैर नहीं आ रहा, पैर ना आए, पैर क्या दिखाने मेरे, कौन सा पैर उल्टे हैं तंदूर में। वैसे यहाँ पे भाई लग रहा है भटूरा।